अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। नाजिश और श्रुति के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था, जो हमारी नाजिश और श्रुति होते हैं, फाइनली वो दोनों एक दूसरे में गुमसी हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के लिए न्यू फीलिंग्स आने लग जाते हैं। हमारी नाजिश को तो पहले से ही आ रही होती है, और जो हमारी श्रुति है उसको भी आने लग जाते हैं। ये लोग जैसे ही एक शॉप में जाके एक दूसरे को, जो हमारी श्रुति का है, जैसे ही नाजिश से टच होता है उसको एक क्रम सा टाइप लगता है, वो फिर इसको इग्नोर कर देती है। अब आगे तो जो हमारी श्रुति और नाजिश होती है, वो दोनों इस तरह ही झूले पसंद कर रही होती हैं, और जो हमारी श्रुति होती है उसकी फिर नज़र जो है वो नाजिश पे पड़ती है। वो नाजिश को देख रही होती है, वो बहुत ही प्यार से नाजिश की तरफ देखती है। सबसे पहले तो वो उसके लिप्स देखती है, फिर उसकी आंखें देखती है। कुछ टाइम के लिए तो वो उसकी आंखें और लिप्स ही देखती रहती है। और जो हमारी नाजिश मैडम होती है, वो अब तो चुटली पसंद करने में लगी होती है। उसकी नज़र अभी श्रुति पे नहीं जा रही होती है, वो बस ऐसे ही सब कुछ पसंद कर रही होती है। वहाँ पे जो एक बहुत ही खूबसूरत सी रिंग नज़र आ जाती है हमारी श्रुति को, सॉरी नाजिश को। नाजिश की नज़र जैसे ही उस रिंग पे पड़ती है, तो वो एक लड़का होता है उसको बोलती है, भैया ये रिंग उठा के ज़रा देना। वो जो भैया होता है वो इसको रिंग निकाल के देता है। वो फिर जो हमारी नाजिश होती है, वो रिंग लेती है और देखती है। वो रिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, उस पर एक वाइट का नग लगा होता है, और वो मतलब सिंपल से होती लेकिन बहुत शाइनिंग दे रही होती है। वो फिर वो उस रिंग को देखती है, फिर वो देखती है हमारी श्रुति को, और जो श्रुति होती है वो तो पहले से ही नाजिश को देख रही होती है। और जैसे ही नाजिश श्रुति को देखती है, तो वो शौक रह जाती है। वो बोलती है कि ये मुझे क्यों देख रही है। फिर वो जो नाजिश है वो श्रुति को देखती है, श्रुति बात सुनो, बट जो श्रुति होती है हमारी, वो तो हमारी नाजिश के लिप्स देख रही होती है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्यों देख रही है। फिर जो हमारी नाजिश होती है उसको मतलब अकवर्ड सा फील होता है। वो बोलती है, श्रुति बात सुने। फिर जो श्रुति होती है उसको एक दो आवाज़ें देने के लिए बोलती है, हाँ 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 क्या हो गया। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती, क्या आप मुझे देख के भी मेरी आवाज़ सुन नहीं पा रही हैं, क्या हो गया। फिर जो श्रुति होती है वो हिचकिचाते बोलती, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो कुछ सोच रही थी मैं, क्या हुआ बोलो। फिर जो हमारी नाजिश होती है वो बोलती है, ये रिंग देखे ना, ये रिंग कितनी ज़्यादा प्यारी है। फिर जो हमारी श्रुति है वो उसके हाथ से वो रिंग लेती है, वो बोलती है, वाकई ये रिंग बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्या तुमने लेनी है। फिर जो हमारी नाजिश है बोलते हैं, लेनी है, अगर आपको पसंद है तो आप रख लेना। फिर जो हमारी श्रुति है वो नाजिश की तरफ देखती है और बोलती है, क्यों मैं क्यों रखूँ। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती है, क्यों क्या, ये आप रख लें, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके हाथ पे। उसके हाथ की तरफ भी देखती है और रिंग की तरफ भी देखती है। और जो हमारी श्रुति होती है वो साफ साफ इनकार कर दी, बोलती है, नहीं मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए, ना कि तुम मेरे लिए करने आई है। फिर जो श्रुति है वो बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, अगर एक रिंग से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए प्लीज़ आप ये रिंग रख ले। फिर जो हमारी श्रुति होती है वो जैसे ही हमारी नाजिश के मुंह से इतने प्यार से सुनती है, तो बोलती है, चलो ठीक है ऐसा बोल के। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलते, ठीक है मैं ये पिक करवा लेती हूँ। फिर जो वहाँ पे भैया होते बोलते कि वो बोलते कि भैया प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से मुझे अलग सा पैक करके दे दे। फिर जो श्रुति होती है वो नाजिश की तरफ देखती है, बोलती क्यों तुम अलग सा क्यों पैक करवा रही हो, भैया ऐसे ही शॉपर में डालो। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती, भैया नहीं आप, मैं बोलू ना पैक करें आप तो फिर दें। फिर जो हमारी श्रुति होती है वो चुप हो जाती है, और फिर जो हमारी नाजिश होती है वो श्रुति को बहुत प्यार से देखती है और बोलती है, अगर आपको और कोई चीज़ भी चाहिए तो आप मुझे बताएं। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती है, नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे सब पास सब कुछ है, जल्दी से लो, पहले ही हमें देर हो रही है और हमें और शॉप पे भी जाना है, हम एक शॉप के लिए नहीं आए हैं। फिर जो हमारी नाजिश है उसकी तरफ स्माइल पास करते हुए बोलती है, ठीक है ऐसा बोल के। जो हमारी नाजिश और श्रुति होती है वो फिर ऐसे ही जुड़ली ख़रीदने लग जाती हैं।
फाइनली उन लोगों ने मेहंदी का जो सामान होता है, जो ज्वेलरीज वगैरह होती है, वो तो खरीद रही होती है। अभी वो बारात की खरीद रही होती है, बट जो बारात की होती है वो जो हमारी श्रुति होती है उसको पसंद नहीं आ रही होती है। वो नाजिश की तरफ देखती हुई बोलती है, मैं तो बोलती हूँ बस ये भैया आप ऐसा करें, आप यही पैक कर ले। फिर वो जो भैया होते बोलते हैं, मैडम ये बारात की भी तो लेना आप। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती है, बस भैया आप यही पैक कर ले और हमें बिल बना के दे दें। तो जो भैया होता है वो ऐसे ही उनको बिल बना के दे देता है और ये लोग पेमेंट वगैरह करके अपना सामान लेके बाहर निकल जाती हैं। और जो हमारी श्रुति होती है वो नाजिश की तरफ बहुत प्यार से देखती है, बोलती है क्या हो गया ये तुमने, आपने जुड़ली क्यों नहीं ली। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जुड़ली, तो इस वजह से मैंने बोला छोड़ो किसी और जगह से ले लेते ना, कोई थोड़ी शॉप तो नहीं है, इंसान चीज़ ले अच्छी ले और मुझे अच्छी नहीं, चलो दूसरी शॉप पे चलते हैं। ये बात सुन के हमारी जो नाजिश होती है उसके फेस पे एक बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वो मन में बस यही बोल रही होती है कि हाँ देखो ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और कितनी अच्छी अच्छी, सच में मेरी भाभी की इस बार जो बड़ी होगी वो बहुत ज़्यादा सुंदर होगी ऐसा बोल के। फिर जो श्रुति होती है वो आगे आगे चल रही होती है और जो नाजिश होती है वो पीछे पीछे आराम आराम से आ रही होती है और उसको देख रही होती है। और एक दुकान में हमारी श्रुचि जाती है और जो नाजिश होती है वो स्लो स्लो चल रही होती है, और जो श्रुति होती है वो जैसे ही पीछे देखती है तो जो नाजिश है वो थोड़ी पीछे से आ रही होती है, उसको तरफ इशारा करती है, क्यों है तेज चलो कितने तुम स्लो क्यों चल रही हो। फिर जो हमारी नाजिश है वो जल्दी जल्दी शॉप में आ जाती है और शॉप में ये दोनों आते हैं और एक लड़का होता है वो बोलते हैं जी आपको क्या चाहिए। फिर जो श्रुति होती है वो बोलती है कि हमें बारात के लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी दिखाएं। फिर जो भैया होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आप बैठे मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा बोल के। वो जो भैया होता है वो फिर ज्वेलरी वगैरह निकालता है और इन लोगों को दिखाने के लिए लग जाते हैं और ये ऐसे ही ज्वेलरी देख रही होती है। और जो हमारी नाजिश होती है वो कभी ज्वेलरी को देख रही होती है और कभी श्रुति को देख रही होती है, वो बस इसका यही काम होता है। और जो श्रुति होती है वो नाजिश को बोलती है ये सही है ये सही है ये सही है, और जो हमारी नाजिश होती है वो तो बस हाँ में हाँ मिलाती है और नाजिश बोलती है जो आपको अच्छा लगे आप ले लें। फिर जो श्रुति होती है उसकी तरफ देखते बोलती है क्या है तुम्हारे भैया की शादी है तुम भी तो कुछ पसंद करो ना मैं ही करूँ। फिर जो हमारी नाजिश है वो स्माइल करती है बोलती है तो क्या हो गया आप पसंद करें या मैं ही करूँ, बात तो है कि है ना। फिर जो नाजिश होती है वो ऐसा बोलते हो, जो श्रुति होती है बोलती क्या फिर नाजिश कुछ नहीं आप पसंद करो। फिर जो हमारी श्रुति होती है फिर से जुल्ली पसंद करने लग जाती है और फाइनली वो लोग ऐसे ही देखने लग जाते हैं, उन लोगों को सामान भी हो जाता है और ये सामान खरीदते खरीदते इनको लग जाते हैं 2:30 बजे। और 2:30 बजे ये लोग जॉब से बाहर आती हैं और जो नाजिश होती है बोलती है चलें अभी कुछ खा लेते हैं मुझे भी बहुत भूख लगी है और आपको भूख लगी है। फिर जो हमारी श्रुति होती है भूख तो बहुत लगी है चलो कुछ खा लेते हैं और शॉपिंग बाद में कर लेंगे। फिर जो हमारी नाजिश होती है वो बोलती है चलो ऐसा बोल के। जो हमारी श्रुति थी वहाँ पे एक ठेला लगा होते हैं वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं बोलते है, बस बस हम लोग यहीं पे खाना खा लेंगे। और जो नाजिश है उसकी तरफ घूर के देखते बोलती क्या कर रही हैं आप उठे यहाँ से हम यहाँ पे खाना नहीं खा सकते। फिर जो श्रुति थी बोलती तो क्या हो गया हम यहीं पे खा लेते हैं भैया क्या क्या बना हुआ है। वो जो भैया होते हैं वो बताते हैं कि ये बने थे। जो श्रुति होती है वो नाजिश की तरफ देखती है बोलती है यहाँ पे भी अच्छा खाना मिलता है तुम बैठो तो सही ना इतने महंगे महंगे होटलों से ये ढाबे का खाना बहुत अच्छा होता है। फिर जो नाजिश होता है उसका मूड ख़राब हो जाता है बोलते बिल्कुल भी नहीं मैं यहाँ से खाना नहीं खाती हूँ और मुझे यहाँ के खाना बिल्कुल पसंद नहीं चले होटल में खा के अच्छी जगह पे खाते हैं। और जो हमारी श्रुति होती है वो खड़ी हो जाती है और नाजिश का हाथ पकड़ लेती है और नाजिश का हाथ पकड़ के उसको अपने पास बिठा लेती है। और जो नाजिश बोल रही होती है पर उसकी बोलती वहीं बंद हो जाती है और जो श्रुति होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है उसको वहाँ पे बिठा देती है और बोलती है मेरी बात सुनो देखो हम लोग इतने महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं और इतना खाना ऑर्डर करते हैं पता है ये लोग बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं उनके उनसे भी ज़्यादा टेस्टी खाना बनाते हैं और हाँ यहाँ का खाना बहुत अच्छा है बस आज मेरे लिए तुम यहाँ का खाना खा लो
मैं सच बोल रही हूँ, उस खाने से ये वाला खाना बहुत अच्छा होगा। वो इस तरह इतने प्यार से हमारी श्रुति को बोलती है कि श्रुति की आवाज़ ही नहीं निकलती है। वो फिर नाजिश बोलती है ठीक है जैसा बोलें। फिर जो श्रुति होती है उसका हाथ छोड़ देती है, और जो हमारी नाजिश होती है वो अपने हाथ की तरफ देख रही होती है और श्रुति की तरफ देख रही होती है। और जो श्रुति है वो ढाबे वाले भैया को बोलती है कि ये ले आओ। जो ढाबे वाला भैया है वो इन लोगों के लिए खाना रेडी कर रहा होता है, और जो श्रुति होती है वो ऐसे इधर उधर देख रही होती है, और जो नाजिश होती है वो तो बस बैठ के हमारे श्रुति मैडम को देख रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। और जो हमारी श्रुति होती है वो फिर पीछे देखती है और बोलती है क्या हो गया तुम्हारी, तुम चुप क्यों होगी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। फिर जो नाजिश होती है बोलती है अब मैं क्या ही बोलूँ क्या बोलूँ। फिर जो हमारी श्रुति होती है वो स्माइल करती बोलती है तुम भी पागल हो गई हो। ये लोग बातें ऐसे बोलते हैं। फिर थोड़ी देर में आ जाता है खाना, और जैसे ही खाना आता है तो जो हमारी श्रुति होती है वो सारा खाना लेती है, टेबल पर रखती है, हमारी नाजिश की तरफ देखती है और बोलती है लो खाना आ गया, अभी तुम टेस्ट करके बताओ मुझे कि कैसा है, और हाँ तुम्हारे उस रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, चलो खाओ और मुझे बताओ। फिर जो हमारी नाजिश है वो बोलती है चलो देख लेते हैं कैसा है आपका ये ढाबे वाले पता नहीं क्या बोलते हैं वो वाला खाना। फिर जो हमारी श्रुति है बोलती है खाओ। ऐसा बोल के जो हमारी नाजिश होती है वो फिर अपनी प्लेट में खाना परोसती है, और फिर हमारी श्रुति की प्लेट में खाना परोस रही होती है, और उसकी प्लेट में खाना परोसती है और बोलती है हाँ जल्दी से खाओ और मुझे बताओ कल वाला खाना ज़रा टेस्ट है कि आज वाला। ऐसा बोल के फिर जो हमारी नाजिश होती है वो खाना खाने लग जाए, वो जैसे ही खाना एक निवाला खाती है और वो कुछ नहीं बोलती है, और जो श्रुति है वो तो बस नाजिश की तरफ देख रही होती है, वो बोलती है कि क्या हो गया बताओ ना मुझे कैसा लगा खाना। फिर जो हमारी नाजिश होती है वो एक और निवाला खाती है, और फिर वो खा के बोलती है सही है बट सच में बहुत यम्मी खाना है यार, सच बोला आपने एकदम राइट बोला। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती मैं क्या बोला था, मैंने बोला था ना उस रेस्टोरेंट से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना यहाँ पे मिलता है, इतना क्या पैसा वेस्ट करें हम होटल में जाएंगे, वो बस उन लोगों ने ज़्यादा सजावट की होती है और तो कुछ नहीं। फिर जो हमारी नाजिश होती है वो बोलती सही बोला आपने सच में बहुत बहुत अच्छा खाना बना है। वो जो ढाबे वाला होता है वो भी खुश हो जाता है अपने खाने की तारीफ सुन के, और ये दोनों ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। और हमारी जो नाजिश होती है वो आज उसने एक प्लेट ख़त्म कर ली होती है, वो फिर श्रुति की तरफ देखती है और बोलती है मुझे और भी खाना चाहिए यार। फिर जो श्रुति होती है वो स्माइल करती है और ढाबे वाले को बोलती है भैया थोड़ा और खाना देना, फिर एक प्लेट और देती है। और जो हमारी नाजिश होती है वो सारा खाना फिनिश कर लेती है, और आज हमारी नाजिश ने इतना सारा खाना खाया होता है जिसकी वजह से उसका पेट सूज गया होता है। वो अपने पेट पे हाथ रखती है और श्रुति की तरफ देखती है और बोलती है ओ वाह तो सच में मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, मेरा पेट भी कितना बोल रहा है देखो ना। फिर जो हमारी श्रुति होती है बोलती है देखो ना कल सारा खाना हमारा वेस्ट ही हो गया था, आज देखो ना कितना अच्छा खाना है। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती है ऐसा करेंगे जाते टाइम थोड़ा खाना पैक करवा के घर भी लेके चले जाएंगे। फिर जो हमारी श्रुति है बोलती है ठीक है। ऐसा बोल के जो हमारी नाजिश होती है वो जाती है डेले वाले के पास और बोलती है भैया आज मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठ के खाना खाया है, और आज आपने सच में बहुत जमे खाना बनाया है, मैं हमेशा होटलों पे खाती थी लेकिन आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे खाना है और आपने बहुत टेस्टी बनाया है, और हाँ मैं जाते टाइम रात को आपसे खाना लेके जाऊंगी आप रेडी रखना। ऐसा बोल के वो ढाबे वाले को पेमेंट देती है और उससे थोड़ी बात करके फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और डेले वाला भी बहुत खुश हो जाता है, बोलते हैं ना कि जिस इंसान की तारीफ़ की जाए और ज़ाहरी बात है जो मन लगा के काम करते हैं ईमानदारी से करते थे भगवान जी उसको कभी
कभी निराश नहीं करते हैं और ये लोग ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर से ये दोनों एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से शॉपिंग करते हैं। ये लोग तो यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और दूसरी तरफ हम लोग क्या देखते हैं, इनके घर में एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। जो हमारी नाजिश और श्रुति की बेटियाँ हैं उनके बीच लड़ाई हो जाती है। हाँ, लड़ाई हो जाती है। वहाँ पे एक छोटा सा डोगी आ जाता है उनके घर में, और जो हमारी नाजिश की बड़ी बेटी और श्रुति की छोटी बेटी होती है, उन दोनों की लड़ाई हो रही होती है। एक बोलती है ये मेरा है और दूसरी बोलती है ये मेरा है। ऐसे करते करते दोनों की फाइटिंग हो जाती है। दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं। जैसे ही शोर ज़्यादा बढ़ने लग जाता है तो जो हमारी नाजिश की मम्मी है वो भागती भागती आती है। देखती तो ये दोनों बच्चे झगड़ रही होती है, एक दूसरे के बाल खींच रही होती है, साथ में दोनों रो भी रही होती है। और नाजिश की मम्मी आती है, दोनों को चढ़वाती है और चिल्लाती बोलती क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों तुम लोग इस तरह झगड़ रही हो, बताओ मुझे। फिर जो हमारी श्रुति की बेटी होती है वो बोलती है देखो ना मम्मी, देखो ना ये मुझे मेरा पप्पी ले रही है। फिर दूसरी बोलती है हाँ देखे ना ये भी मुझे ले रही है, मैं पहले मैंने इसको उठाया था। एक बोलती पहले मैंने उठाया था, दूसरी बोलती ये पहले मैंने उठाया था। फिर जो हमारी नाजिश की मम्मी है वो पप्पी को उठाती है और बोलती है किसी का नहीं है ये पप्पी, वो ऐसा बोल के वो पप्पी वहाँ से लेके चली जाती है। और दोनों वहाँ पे बैठ के रोने लग जाते हैं और ऐसे ही दोनों रो रही होती है। और दोनों की सिस्टरें आती है, एक दूसरे को लेती है और अपने अपने रूम में चली जाती है। और दोनों रूम में बैठ के बहुत रो रही होती है। और हमारी नाजिश की जो मम्मी होती है वो बाहर जाती है और उस वहाँ पे एक काम करने वाला होता है, वो उसके ऊपर चिल्लाती है, बोलती है अगर आज के बाद तुम ऐसी फजूल चीज़ें घर में लेकर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जाओ इसको दूर से फेंक के आओ, अंदर कितनी लड़ाई चल रही थी बच्चियों की, जाओ यहाँ से। ऐसा बोल के उसको काफ़ी ज़्यादा डांट के और पप्पी उसके हाथ में देखे अंदर चली जाती है। और पहले जाती है हमारी श्रुति की बेटियों के पास और देखती है उसकी जो छोटी बेटी होती है वो रो रही होती है, बहुत ज़्यादा रो रही होती है। बोलती है मम्मी मम्मी आप कहाँ हो, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है मम्मी, यहाँ के लोग बहुत गंदा है। ये ऐसे बोल रही होती है, रो रही होती है। और जो हमारी नाजिश की मम्मी है वो अंदर जाती है, बोलती है अच्छा मैं गंदी हूँ ना, सॉरी बेटा मैं नहीं चाहती हूँ, ये पप्पी अच्छे नहीं होते, तभी मैंने वापस कर दिया। फिर जो हमारी श्रुति की छोटी बेटी थी बोलती चले जाए आप यहाँ से, आपने मेरे पप्पी को भेज दिया। फिर जो हमारी नाजिश की मम्मी होती है वो जाते उसके पास बैठे उसको थोड़ा सा दिलासा देती है और बोलती है बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, देखो ये अच्छी नहीं होती, ये काटते हैं बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा रोने लग जाते, बोलते मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है मम्मी, प्लीज़ मेरी मम्मी को बुलाओ, मम्मी मम्मी कहाँ हो आप। जो हमारी नाजिश की मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा संभालने की कोशिश करती है, उसको हैंडल करती है, बट उसकी बेटी बहुत ज़िद्दी होती है, वो कुछ बात नहीं मान रही होती, वो बस ऐसे ही रोए जा रही होती है। जो उसकी मम्मी थक हार के वो जाती हैं बाहर और कर लेती हैं हमारी नाजिश को कॉल। और जो नाजिश है वो तो ऐसे ही झूले वगैरह पसंद कर रही होती है, और जैसे ही देखती है उसकी मम्मी की कॉल आ रही होती है वो कॉल उठाती है और बात करती है। और जो हमारी नाजिश की मम्मी होती है वो बोलती है बेटा ये श्रुति की बेटी बहुत रो रही है, सुबह से रो रही, दिमाग ख़राब कर दिए यार इसने मेरा। तो जो हमारी नाजिश होती है बोलती मम्मी क्या हो गया, क्यों रो रही है वो। फिर जो हमारी श्रुति होती है वो जैसे ही रोने की बात सुनती बोलती कौन रो रहा है। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती कुछ नहीं रो रहा वो, आप पसंद करें। ऐसा बोल के जो हमारी नाजिश होती है वो थोड़ा साइड में जाती है और अपनी मम्मी को बोलती मम्मी क्या हो गया, कौन रो रहा है। उसकी जो मम्मी है वो बोलती बेटा ये नाजिश की बेटी श्रुति की बेटी बहुत रो रही है, मैं इन लोगों ने डोगी घर में ले के आए थे तो तेरी बेटी और इसकी बेटी बहुत झगड़ रहे थे, मैंने दोनों को डांट के और डोगी को भगा दिया तो इस वजह से वो चुप ही नहीं हो रही, और प्लीज़ बेटा तुम दोनों जल्दी आओ, इसने रो रो के अपना बुरा हाल बना रही और मेरी बात भी नहीं सुन रही है। जैसे ही हमारी नाजिश ये उस बात सुनती बोलती हाँ हाँ ठीक है ठीक, बस हमारा सब कुछ हो गया, बस हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हैं। ये सब बल्कि जो नाजिश है वो कॉल करती है और श्रुति के पास जाती है, बोलती हो गया सब कुछ ना। फिर जो श्रुति होती है बोलती क्या हुआ, क्या बोल रही थी तुम्हारी मम्मी, वो बोलती कुछ नहीं वो, चलो हमें घर जाना पड़ेगा। फिर जो श्रुति होती है वो बोलती सब कुछ ठीक तो है ना। फिर जो हमारी नाजिश है वो बोलती हाँ हाँ डोंट वरी सब कुछ ठीक है, चलो अभी हो गया ना सब कुछ।
फिर जो हमारी श्रुति होती है वो लड़की को बोलते ठीक है भैया आप इसको पैक कर लो, और वो जो भैया होते हैं वो सामान पैक करता है, और ये दोनों पेमेंट करती हैं और दुकान से बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही बाहर निकल रही होती हैं और जो हमारी श्रुति होती है उसको ठेले वाला फिर से नज़र आ जाता है। वो नाजिश को बोलते हैं तुमने कौन ऑर्डर किया था, याद है कि नहीं? फिर जो हमारी नाजिश बोलती है हाँ हाँ सच में मैं तो भूल ही गई थी, ऐसा बोल के वो ठेले वाले से खाना लेती है और जा ही रही होती है कि हमारी जो नाजिश है उसको एक खिलौने वाली और उसमें नकली मतलब खिलौने वाली शॉप नज़र आ जाती है। वो ना श्रुति को बोलते चलो इस शॉप में चलते हैं। फिर जो श्रुति तो बोलते ख्याल है ना सब कुछ तो हो गया, तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो? फिर जो नाजिश है बोलते चलो तो सही ना, ऐसे बोल के जो नाजिश होती है वो शॉप में जाती है। वहाँ पर एक जो सबसे बड़ा वाला भालू होते हैं वो उसको लेती है और उसकी पेमेंट करती है और वहाँ से उठा के लेके आ जाती है। जैसे ही श्रुति ये देखते बोलती है ये किस लिए लेके जा रहे हो और इतना बड़ा? फिर जो हमारी नाजिश थे बोलती है हाँ हाँ चलो चलो घर में चल रहे हैं देर हो रहा है। मैं ऐसा बोल के जो हमारी नाजिश होती है वो कैब बुक करती है और कैब आ जाती है और ये दोनों कैब में बैठते हैं और सीधा घर की तरफ चल रहे होते हैं। और वो इतना बड़ा भालू होता है कि वो गाड़ी में भी मुश्किल से आ रहा होता है। और जो श्रुति थे बोलती है ओह भगवान तुमने ये लिया ही क्यों, इतना बड़ा कौन लेते हैं? फिर जो श्रुति थे बोलते कुछ नहीं होता है चलो। ऐसा बोल के फिर दोनों गाड़ी में बैठी होती हैं। थोड़ी देर में ये दोनों घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचती हैं, गाड़ी वाले को पैसे देती है, अंदर चली जाती है। जैसे ही ये दोनों अंदर जाती तो उनको रोने की आवाज़ आती है। और जैसे ही हमारी श्रुति को उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आती है वो बोलती है नाजिश की तरफ बोलती है ये क्या मेरी बेटी रो रही है? ऐसा बोल के वो भागती है रूम की तरफ। और जैसे ही रूम में जाती है देखती तो उसकी बेटी रो रही होती है और रो रो के उसने पूरी आंखें रेड की होती है और उसकी आंखें भी स्वेल हो जाती है। और जो हमारी श्रुति होती है वो अपनी बेटी को देख के परेशान हो जाती है, उसके पास जाती है और बोलती है बेटा बेटा क्या हो गया तो क्यों रो रही है बेटा? फिर जो उसकी छोटी बेटी होती है वो जैसे ही अपनी मम्मी को देखती है वो अपनी मम्मी को हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है मम्मी मम्मी प्लीज आज चलो मुझे इस घर में नहीं रहना मम्मी, चलो नानू के घर चलते हैं मम्मी नानू के घर चलते हैं। फिर उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है कि बेटा हुआ क्या है बताना मुझे। फिर जो नाजिश होती है वो बोलती है कुछ नहीं हुआ है चाटो आटो आगे से, मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आई हूँ। जैसे ही उसकी छोटी बेटी गिफ्ट का नाम सुनती है तो वो अपनी आंसू पोंछे बोलती है कौन सा गिफ्ट, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे घर जाना है। फिर जो नाजिश होती है बोलती है अच्छा जी तुम्हें घर जाना है पहले एक मरतबा गिफ्ट देख तो लो ना, फिर अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चले जाना। फिर जो नाजिश की छोटी बेटी होती है बोलती हूँ कौन सा गिफ्ट है दिखाओ मुझे। फिर उसकी जो नाजिश होती है वो बोलती है अच्छा जी पहले आपको अपना मूड देख करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको इतना अच्छा गिफ्ट दूँगी ना आप देख के बहुत खुश हो जाओगी। जिस पर नाजिश की बेटी बोलती है सच में दिखाओ ना दिखाओ ना दिखाओ ना। फिर जो नाजिश है वो मस्ती करती बोलती है अच्छा जी अभी तो कोई बोल रहा था कि मैं घर जाना है घर जाना है घर जाना है। श्रुति ऐसा करो इसको नानू के घर भेजो और तुम और तुम्हारी बड़ी बेटी यहीं पे रुको। कि जो छोटी बेटी बोलती नहीं 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 मुझे दिखाओ ना मुझे दिखाओ क्या गिफ्ट है, ऐसा बोल के फिर जो नाजिश होती है बोलती अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर बैठो मैं लेके आती हूँ। ऐसा बोल के जो नाजिश है वो बाहर जाती है और वो जो उसने लिया होता है वो अपने पीछे लेके आ रही होती है। और जैसे उसकी छोटी बेटी को इतना बड़ा सा कुछ दिखते बोलते दिखाओ ना दिखाओ ना दिखाओ ना क्या चीज़ है क्या चीज़ है। फिर जो नाजिश है बोलती अच्छा जी अभी दिखने की बदली पड़ी गई है अच्छा ठीक है। ऐसा बोल के जो नाजिश होते वो जो बड़ा सा टेडी बियर होता है इसको सामने रखती है और जैसे ही उसकी छोटी बेटी की नज़र पड़ती है तो वो बोलती है वाह इतना बड़ा बल्ब है इतना ये मेरे लिए। तो जो नाजिश है बोलती है ये आपके लिए अगर आप नानों के घर जाओगी तो फिर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप यहीं पर रहोगे तो तब आपको मिलेगा। फिर जो हमारी श्रुति की छोटी बेटी होती है वो भाग के आती है और उसको हग कर देती है बोलती है वाह 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 मम्मी देखो ना कितना अच्छा है
उसकी जो मम्मी होती है श्रुति नाजरी की तरफ देखती है, बोलती है ये तुमने क्यों ले आई इतना महंगा और तुम इसके लिए लेके आई थी। फिर जो नाजरी तो बोलती है हाँ तो क्या हो गया, अगर ये तुम्हारी बेटी तो मेरी भी बेटी की तरह ही है। बेटा तुम्हें अच्छा लगा ना, उसकी जो छोटी बेटी थी वो बोलती है हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ये गिफ्ट देख के जो हमारी नाजिश की बेटी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसको उठा भी नहीं पाती, वो बोलती हूँ ये तो इतना बड़े मैं तो उसको उठा भी नहीं सकती हूँ। फिर जो हमारी नाजिश है वो साथ में उसको हेल्प करती है और बेड पे बिठाती है उसको भी और बोलती है चलो ठीक है अभी तुम ये उसके साथ खेलो और हाँ अभी तुम रोगी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना, चलो ऐसा करते हैं पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद तुम्हें इसके साथ चलो 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 अभी उठ जाओ उठ के खाना खा लो उसके बाद ही आके खेलना। फिर हमारी जो श्रुति की छोटी बेटी होती है वो नाजिश के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती हूँ ठीक है चलो चलो मुझे भी बहुत भूख लगी और हाँ मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगी, मैं किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाऊंगी। फिर जो नाजिश है वो स्माइल करती है, बोलती है अच्छा बेटा ठीक है चलो। ऐसा बोल के जो नाजी होती है वो श्रुति की छोटी बेटी का हाथ पकड़ उसको बाहर लेके चली जाती है और ये सब कुछ देख के हमारी जो श्रुति होती है उसके फेस पे एक बड़ी बड़ी स्माइल आ जाती है। वो बोलती है इसने मेरी बेटी को खुश करने के लिए देखो ना ये इतना अच्छा गिफ्ट लेके आई है, कितनी अच्छी है ये। ऐसा बल के जो श्रुति होती है वो भी फिर बाहर चली जाती है। ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और जो हमारी नाजिश की बड़ी बेटी होती है वो जैसे ही देखती है कि श्रुति की जिस बेटी ने उसके साथ झगड़ा किया होता है उसकी मम्मी के पास बेटी होती है, उसकी बेटी ये देख के वो आती अपनी मम्मी के पास और चिल्लाती है बोलती मम्मी आप इसके पास क्यों बैठो, ये बहुत गंदी है इसने मेरे साथ झगड़ा किया था अब क्यों इसके साथ बैठी हो। फिर जो नाजिश होती है वो अपनी बेटी को बोलती है बेटा जाओ वहाँ पे बैठ जाओ ये तुमसे छोटी है इस तरह नहीं करते हैं। फिर जो हमारी श्रुति की बेटी होती है वो उसको बोलती है हाँ ना देखो ना इसने मेरे साथ इतना लड़ाई करी इसने मेरे बाल भी खींचे थे। फिर जो नाजिश की बेटी है वो भी चिल्लाती है बोलती है तुम भी किसी से कम नहीं हो, तुमने भी मेरे इतने सारे बाल खींचे और मम्मी आप क्यों इसका साइड दे रहे हो, आप मेरी मम्मी हो किसकी मम्मी हो। फिर जो नाजिश होती है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो अपनी बेटी को थप्पड़ मार देते बोलते वहाँ पर जाके बैठो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना। जैसे ही वो अपनी बेटी को थप्पड़ मारते तो उसकी जो बेटी होती है वो रोते रोते अपने रूम में चली जाते हैं और जो नाजिश की मम्मी होती है वो नाजिश को बोलती बेटा क्या कर रही हो क्यों उसको थप्पड़ मारा तुमने, तुम प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। जो नाजिश होती है वो गुस्से में बोलते मम्मी बस कर दो यार देखो ये कितनी सर पर चढ़ गई, बड़ी हो गई है ये अभी इससे छोटी है कुछ समझना चाहिए ना। ऐसा बोल के जो नाजिश होती है वो बोलती है चलो चलो सब खाना खा लो खुद ही आ जाएगी, जब भूख लगी ना खुद ही आ जाएगी। और जो नाजिश की मम्मी होती है वो बैठ के चुप चुप देख रही होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती, एक तरफ से वो भी सही होती है कि वो बड़ी होती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन नानो तो नानो ही होती है ना। फिर जो नाजिश की मम्मी होती है वो उठती है प्लेट में खाना डालती है और चली जाती है रूम में अपनी पोती को खाना देने के लिए, वो खाना दे के लिए जाती है। जैसे ही रूम में जाती है देखती है तो नाजिश की बड़ी बेटी बहुत रो रही होती है और उसको रोता देख के नाजिश की मम्मी अंदर जाती है, बोलते क्या हो गया मेरी बेटी क्यों रो रही है। उसकी जो बेटी होती है बोलते नहीं चले जाओ यहाँ से मुझे किसी से बात नहीं करनी, देखो ना मम्मी ने मुझे मेरी गलती नहीं थी फिर भी मुझे थप्पड़ मार दिया, देखो ना मम्मी उसका साइड दे रही मैं उनकी बेटी हूँ कि वो मम्मी की बेटी है। उसकी जो नानू है उसके पास आते हैं बोलती हैं बेटा देखो चलो चलो आंसू पूछे ऐसे नहीं रोते तुम बड़ी हो गई हो बेटा देखो छोड़ो मैं अपनी बेटी को जो मेरी बेटी को चाहिए मैं खुद अपनी बेटी को लेके दूंगी। तो उसकी जो बेटी होती है प्रोमिस उसकी जो नानू होती है बोलती हाँ बेटा प्रोमिस चल आंसू पूछ खा खाना तू मेरी बेटी ना छोड़ अपनी मम्मी को उससे बात ही नहीं करेंगे हम लोग। तो उसकी जो बेटी होती है बोलती ठीक है मैं भी नहीं करूँगी मम्मी अच्छी नहीं है। फिर जो उसकी नानू होती है बोलती चलो छोड़ बेटा मैं अपने हाथ से मैं अपनी बेटी को खाना खिलाती हूँ। फिर जो नाजिश की बेटी होती है वो अपनी नानों के हाथ से खाना खाने लग जाती है और बाहर हम क्या देखते हैं जो हमारी नाजिश होती है वो खाना खा रही होती है और जो श्रुति की छोटी बेटी होती है वो नाजिश की तरफ देखती है और बोलती है आंटी आंटी आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। फिर जो नाजिश है उसकी तरफ देखती है बोलती है क्यों बेटा तुम अपने हाथ से नहीं खाना है, तो वो बोलते नहीं आंटी प्लीज़ आप खिलाओ ना आप बहुत अच्छी लगती हो मुझे। फिर जिस पे नाजिश बोलते ठीक है बेटा मैं खिलाती हूँ। ऐसा बोल के जो नाजिश है उसको अपने हाथ से खाना खिलाने लग जाती है और जो श्रुति की बेटी है वो मज़े ले लेके खाना खा रही होती है। ये चीज़ देख के हमारी
जो श्रुति होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। ये सब लोग ऐसे ही खाना खा रहे होते हैं और सब लोग खाना खा लेते हैं और फिर जो श्रुति की बेटी होती है वो रूम में चली जाती है और हमारी जो श्रुति और नाजिश होती है वो बर्तन उठा रहे होते हैं और जो श्रुति होती है वो नाजिश के पास आती है और बोलती है थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बेटी को मेरी बेटी के मूड के अच्छा किया और अगेन थैंक यू सो मच तुमने मेरी बेटी को क्या करूँ तुम मुझे मैं मेरे पास लव्स नहीं है मैं क्या बोलूँ। तो जो नाजिश होते बोलते तो मैं बोल आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपकी बेटी है वैसे मेरी भी कुछ लगती है, चलें काम करें देर हो रही है अभी रात भी हो गई है, ऐसा करें आप बहुत थक गए होगे ना आप जाओ जाके आराम कर लो। फिर जो हमारी श्रुति होती बोलते नहीं मैं नहीं थकी ऐसा, बल्कि ना जो नाजिश और श्रुति होती है वो दोनों किचन में बर्तन रखने के लिए जा रही होती है और जो हमारी श्रुति होती है वो जाती है और जाके सिंक के पास खड़ी हो जाती है और जैसे ही बर्तन धोने ही वाली होती है जो नाजिश है उसको पकड़ती है बोलते नहीं आप बिल्कुल भी नहीं दोगे ये खुद मैं दूंगी, और जो श्रुति होती है बोलती है नहीं आपको धोने की कोई ज़रूरत नहीं मैं हूँ ना। फिर जो हमारी नाजिश होती है वो उसको हाथ से पकड़ के पीछे करती है और जैसे इसके हाथ को पकड़ती है तो जो हमारी नाजिश होती है वो उसका हाथ पकड़ता है और जो श्रुति होती है वो नाजिश को देख रही होती है और ऐसे ही फिर जो हमारी नाजिश होती है वो भी हमारी श्रुति की आंखों में देखने लग जाती है, दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा आई कॉन्टेक्ट हो जाता है, दोनों ऐसे ही खड़ी हो जाती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही होती है बहुत प्यार से, मानो 5 मिनट के लिए दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देख रही होती है। और बाहर से आ जाती है हमारी अनिला, अनिला आकर बोलती तुम लोग क्या करे यहाँ पे खड़ी हो के, जैसे ही दोनों अनिला की बात सुनती है तो दोनों होश में आते हैं और पीछे हो जाते हैं और जो हमारी श्रुति बोलती कुछ नहीं वो मैं बर्तन धो रही नाजिश मुझे धोने ही नहीं दे रही है। फिर जो अनिला होती है बोलती तुम दोनों में से कोई नहीं धोएगा, जाओ सारा दिन शॉपिंग कर करके तुम दोनों थक गए होगे जाके आराम करो मैं खुद धो लूँगी जाओ जाओ जाओ, ऐसा बोल के जो अनिला होती है वो इन दोनों को वहाँ से भेज देती है और दोनों वहाँ से चली जाती है, दोनों किचन से बाहर निकल रही होती हैं और ऐसे ही दोनों शर्मा जाती हैं एक दूसरे से और दोनों अपने अपने रूम पे चले जाती हैं। और जो हमारी श्रुति होती है वो अपने रूम पे जाती है, देखती है उसकी जो बेटियाँ होती है वो दोनों तो बस खेल रही होती हैं और जो श्रुति होती है वो अपने बेटी होती है और बेटी होती है और उसके बारे में सोच रही होती है, वो ये सोच रही होती है कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे उसके पास रहना बहुत अच्छा लगता है, उससे बात करना मुझे क्यों इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो यही सब कुछ सोच रही होती है। और दूसरे जो हमारी नाजिश होती है वो भी अपने रूम पे जाती है और जो नाजिश होती है बोलती है हाय भगवान उनके साथ हर एक पल बिताना कितना अच्छा लगता है और उनके साथ जब रहती हूँ तो टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है क्या बताऊँ यार, वो ऐसे ही सोच रही होती है और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और ऐसे ही सब सो जाते हैं, मॉर्निंग टाइम पे ये लोग उठ जाते हैं और फाइनली आज इनके घर में एक फंक्शन भी होता है और आज इन सब ने जाना होता है शॉपिंग के लिए क्योंकि आज इन सब की अपनी शॉपिंग होती है। और जो नाजिश होती है वो आती है और बोलती है चलो आप सब लोग रेडी हो जाओ, फाइनली शादी की शॉपिंग कंप्लीट हो गई और हमारे कपड़े रहते हैं और हम लोग आ जाते हैं, ऐसा करते घर पे ही बुला लेते हैं ना मम्मी, उसकी जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा वैसे ये तूने बिल्कुल एकदम सही बोला, ऐसा करते घर पे बुला लेते कौन बाज़ार में जाएगा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। फिर जो नाजिश होती है वो श्रुति की तरफ देखती है बोलती है कि आपने बाजार जाने कि नहीं, अगर जो श्रुति होती है बोलती है बाजार तो जाना है अगर यहीं पे सब कुछ ले आए तो कोई मसला नहीं है। फिर जो नाजिश होती है बोलती है चलो ठीक है ऐसा करते हैं मम्मी आपके जो जो कपड़े हैं आप लोगों को घर में पहुँचा देंगे, मैं और ये जाके ना शॉपिंग बाज़ार से कुछ जो जो रहता होगा ना हम लोग वो ले आएंगे। फिर जो नाजिश की मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा ये तुमने एकदम सही बोला ठीक है तुम दोनों जाओ और हाँ प्लीज़ जल्दी वापस आ जाना देर मत करना। फिर जो हमारी नाजिश होती है बोलती है ठीक है और जो श्रुति होती है वो नाजिश की तरफ भी देख रही होती है और वो नाजिश की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी, नाजिश चाहती है उसके पास और बोलती है चलें
फिर जो हमारे श्रोते होते बोलते हैं ठीक है चलो, और जो हमारे श्रोते तो बोलते हैं रुखों में अंदर से लेके आती हूँ, ऐसे बोल के जो श्रोते होती है वो रूम में जाती है देखती है अपना पर्स खोलती है, बट पर्स में तो पैसे ही नहीं होते, वही थोड़े से पैसे होते, उस थोड़े से पैसे तो शॉपिंग नहीं की जाती है। जैसे ही श्रुति ये देखती तो वो अपसेट हो जाती है, वो बेड पर बैठ जाती है, और जो नाजिश है वो बाहर बैठी होती है, बोलती इतना टाइम हो गया अभी तक आए क्यों नहीं, जाके देखना पड़ेगा, ऐसा बोल के नाजिश होती है। वो रूम में जाती है देखती तो श्रुति बेड पर बैठी होती है बहुत उदास होके, फिर जो नाजिश होती है वो रूम में जाती है, बोलती क्या हो गया आप इतनी सैड क्यों हैं, फिर जो हमारी श्रुति होती है वो बोलती कुछ नहीं बस वैसे ही, वो मैं बोल रही थी कि मेरे पास तो सब कुछ अवेलेबल है, मैं नहीं जाऊँ तो कुछ होगा तो नहीं। फिर जो नाजिश होती है बोलती बताएं क्या हुआ है, आप तो अभी बोल रही थी ना जाएंगे और अभी क्यों नहीं जा रही हैं। फिर जो श्रुति होती है बोलती मेरे पास सब कुछ है, अभी मैंने देखा सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग बहुत कंजूस है, स्टोरी सुनते तो हैं बट लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और हाँ थैंक यू सो मच जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं।